एंगल ऑफ रिपोज है वो मिनिमम एंगल फाई इंक्लाइंड प्लेन का, या वो एंगल इंक्लाइंड प्लेन का, चलो मिनिमम मैक्सिमम छोड़ो, वो एंगल इंक्लाइंड प्लेन का जब ये ब्लॉक, बस अगर आपने एंगल इससे ज्यादा कर दिया ना तो ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, और ये लास्ट वैल्यू है इंक्लाइन प्लेन की, तो इसके ऊपर अगर एंगल करेंगे तो स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो रुका रहेगा। तो ये ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉडी को रखें तो आप इसे ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं तो कभी तो हिलेगी, पर इस एंगल पे हिल नहीं रही, इस एंगल पे हिल गई, तो ये वो एंगल है इंक्लाइन प्लेन का। जब बस इसके बाद तो अगर एंगल बढ़ गया तो बॉडी की मोशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब देखने वाली बात यह है, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, mg sin phi। मैथ के अकॉर्डिंगली अगर एंगल बढ़ाता हूं sin phi की वैल्यू बढ़ जाती है, एंगल बढ़ेगा तो phi बढ़ेगा, sin phi बढ़ता है mg sin phi बढ़ जाता है। तो अगर आप एंगल बढ़ाते हैं तो mg sin phi की वैल्यू बढ़ती है और बॉडी की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। चलो आपने यहां पे इसको रख दिया और आपने इस एंगल पे रख दिया कि अगर आपने फोर्स और बढ़ाई, अगर आपने phi बढ़ाया, फाइव बढ़ा तो साइन फाइव बढ़ा, फोर्स बढ़ी तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसको किसने रोक के रखा हुआ है, स्टैटिक कि मैक्सिमम स्टैटिक। मैक्सिमम स्टैटिक वो फ्रिक्शन है, बस इससे अगर आपने एक्सीड कर दी तो ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर स्टैटिक नहीं लिखा, एफ मैक्सिमम स्टैटिक लिखा है, क्योंकि अगर ये फोर्स जो मेरी अप्लाइड नीचे की तरफ है वो मैक्सिमम स्टैटिक के इक्वल है तो बॉडी अब रेस्ट पे रहेगी, पर अगर इसने अपनी वैल्यू बढ़ाई और इससे एक्सीड हो गई फिर काइनेटिक का काम शुरू हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूं काइनेटिक, मैं चाहता हूं बॉडी रेस्ट पे रहे। तो इस एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करें, क्योंकि बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, तो इसका मतलब नीचे की फोर्स एम जी साइन फाइव इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स एफ एस मैक्स। तो यहां पर एम जी इन टू साइन फाइव इज इक्वल टू म्यूट एस इन टू नॉर्मल रिएक्शन, और इंक्लाइंड प्लेन के केसेस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आती है, एम जी इन टू कॉस फाई, लिखा नहीं पर एम जी कॉस फाई सबको पता है। तो एम जी से एम जी कैंसल, तो यहां से टेन फाई आ गया, साइन फाई बाई कॉस फाई इज इक्वल टू म्यू ऑफ एस, एक और फॉर्मूला आ गया हाउ टू कैलकुलेट एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको पेपर में गिवन होगा एंगल ऑफ रिपोज फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो इसलिए गिवन होगा ताकि आप क्या निकाल सकें उसका म्यू एस। तो दोनों के फॉर्मूले एंगल ऑफ फ्रिक्शन के और रिपोज के देखने में एक जैसे हैं, लेकिन कैलकुलेशन दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। तो नोट कर लें और मार्क कर लें प्लीज फॉर्मूला।